मैं आपको आज कम समय में ज़्यादा अच्छी रंगोली कैसे निकालते हैं वो दिखा रही हूँ। कम से कम समय में ज़्यादा अच्छी रंगोली हमारे घर के लिए, वो घर के आंगन में अगर हम निकाल देंगे तो वो अच्छे से हम सजा देंगे। तो शुरुआत हम श्री गणेश जी से करते हैं। तो देखिए, मैं अभी आपको व्हाइट कलर से गणेश जी कैसे निकालते हैं वो दिखा रही हूँ। आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे रंगोली बनानी है। बहुत हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से लेना है। आज हम निकाल रहे फ्लावर स्टाइल में गणेश जी बनाना। वैसे तो अक्सर हम रोज़ रंगोली निकालते वक्त अलग अलग थीम्स यूज़ करते हैं, तो जैसे मैंने ये गणेश जी बनाए हैं जिसमें देखिए बहुत कम समय में हम ये निकाल सकते हैं, और इसके लिए हमें ज़्यादा कलर्स की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारे गणेश जी, जिसमें अभी मैं उनके लिए जो ऊपर रहता है मुकुट वो बना रही हूँ। ठीक है, तो अभी हम इसके लिए यूज़ करने वाले हैं ऑरेंज कलर। पहले वाला तो ये है ऑरेंज कलर, जिसमें पहले हमें ऑरेंज कलर का जो है वो हाफ हाफ में शेडिंग में इनको भर देना है। ठीक है, तो गणेश जी का जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो सिंदूर है। सिंदूरा नाम का एक राक्षस था जिनका उन्होंने वध कर दिया था, जब से उनको सिंदूर लाल चढ़ाए अच्छा गज उनको कहते हैं। तो सिंदूर के वैसे तो बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे अभी ये कलर जो मैंने भरा है वो उसको सिंदूरा सिंदूरी कलर बोलते हैं, ऑरेंज कलर भी बोलते हैं इसको। मतलब ये थोड़ा शेडिंग में अलग दिख रहा है, बट मेरे पास अभी जो कलर है उसमें से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम कैसे कम समय में ज़्यादा अच्छी रंगोली कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, इसमें मैंने एक कलर का यूज़ कर लिया है पूरा, तो ये है अपना ऑरेंज कलर जिसका हमने एंड तक यूज़ किया है पूरा। तो इसमें अभी दूसरा कलर हम कौन सा बनाने वाले हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो दूसरा कलर है जो ये हमने वो ऑरेंज लिया है, और जो पहले हमने वाइट कलर लिया था जो हमको मिक्स करना है, पूरा मिला देना है। ठीक है, तो इसमें याद रखना है कि ये जो वाइट सफ़ेद वाला जो कलर है वो ज़्यादा होना चाहिए, और जो हमने पहले वाला कलर लिया था वो, तो देखिए इसका कलर ऐसे हो रहा है। तो इसमें हमें इसको शेडिंग में डाल देना है, तो जैसे पूरा पट्टा कलर खींचते हैं वैसे नहीं, बट इनको ऐसे शेडिंग में डाल देना है। ठीक है, तो देखिए कितना सही दिख रहा है ये पूरा। इसके लिए ज़्यादा इफ़ेक्ट की भी ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। सो, ये हमारी हो गई सेकंड थीम। ठीक है, तो इसको ऐसे ऐसे करके मैं डाल रही हूँ। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। फिर से ये अंदर का कलर जो है वापस से वही कलर लेना है हमें। सो, मैं थोड़ा सा फास्ट दिखा रही हूँ आपको, आप इसको आराम से प्रॉपरली भी निकालोगे तो बहुत अच्छा दिखेगा ये। तो इसको देखिए, हमने अंदर से जो लिया है वो पूरा ऑरेंज कलर का लिया है थीम। इसके अंदर भी हमें क्या करना है, जो पहले वाला कलर का हमने थीम यूज़ किया है, इसको बिल्कुल भी हमको क्या करना है कि हम जो शेड दे रहे हैं ना वो, इसको पूरा मिक्स करना है ये। ठीक है, तो ऐसे भी ध्यान में आना चाहिए कि शेडिंग में बना है पूरा। और देखिए कितना सही दिख रहा है ये पूरा, ये हो गया। ठीक है, तो अभी इसको हमें फिर से क्या करना है, जो वाइट कलर का हमारा था पहले वाला थीम, तो उसको मैं ऊपर से बॉर्डर बना रही हूँ। ठीक है, तो देखिए बहुत सही लग रहा है ये पूरा बनने के बाद, आपको ध्यान में आएगा। ओके, तो ये वाला थीम है। सो अभी हम उनके
मुख को कलर देते हैं। सेम इसी थीम में देना है पूरा कलर, आप हाफ हाफ में दीजिए या कैसे भी दे सकते हो, ठीक है। बस हमें इसके बाद में जो उनकी आँखों को और ऊपर वाला जो कलर रहेगा ना, उसके लिए थोड़ा सा अलग थीम यूज़ करना है, ठीक है। सो मैंने इसे लगभग कर दिया है। उनके कान को भी कलर देना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसे जल्दी जल्दी में बना रही हूँ, इसलिए आपको थोड़ा स्टार्टिंग में देखने में वो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये पूरा बन जाने के बाद बहुत सही लगेगा। तो यह इसमें हमने मात्र दो कलर से पूरी रंगोली बनाई है। मुख को कलर देते हैं, सेम इसी थीम में देना है पूरा कलर, आप हाफ हाफ में दीजिए या कैसे भी दे सकते हो, ठीक है। बस हमें इसके बाद में जो उनकी आँखों को और ऊपर वाला जो कलर रहेगा ना, उसके लिए थोड़ा सा अलग थीम यूज़ करना है, ठीक है। सो मैंने इसे लगभग कर दिया है। उनके कान को भी कलर देना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसे जल्दी जल्दी में बना रही हूँ, इसलिए आपको थोड़ा स्टार्टिंग में देखने में वो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये पूरा बन जाने के बाद बहुत सही लगेगा। तो यह इसमें हमने मात्र दो कलर से पूरी रंगोली बनाई है। सो अगर किसी के घर में कलर्स अवेलेबल नहीं है, इसके जगह पे आप दूसरा कोई भी कलर ले सकते हो जो फ्रंट में रहेगा, ठीक है। तो अभी ये हो गया, उनके मुख को हम पूरा अच्छे से सेट करेंगे। तो देखिए ये उनकी सोंड है, जिसको मैं रिपीट फिर से इसे राउंड में बना रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जो माथे पे है वो तिलक रहता है, तो हम इसको, मेरे पास दूसरा कलर अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इसको रेड कलर में बना देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो थोड़ा सा वो रहेगा ऐसे। और आइज़ के लिए मेरे पास अभी जो कलर अवेलेबल है उसी से मैं बना रही हूँ फ़िलहाल में, कुछ मेहंदी कलर टाइप सा है। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने किया है जो कलर अवेलेबल है उसमें से ही बनाना है। स्पेशली कुछ मार्केट से कलर लाकर ऐसे बनाना है ऐसे कुछ भी नहीं है। तो इसमें नॉर्मल से हमने इसकी आइज़ बना दी है। हम आइज़ के भी अलग अलग टाइप से बना सकते हैं। और इसका देखिए ये फिर सामने से, और उनका एक दंत जो है वो दांत ऐसे बना रही हूँ मैं यहाँ पर। इनका ये पूरा एक दांत है और जैसे एक कटा हुआ है, तो यहाँ से हाफ में बना देते हैं। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, मतलब जैसे भी आपको थीम लगती है वैसे उस हिसाब से करना है। और बचता है एक मुकुट का सवाल, तो पूरा जो गणेश जी हमने बनाया हुआ है उसका थीम हमने ऑरेंज वाला किया है, तो इसमें हम उनको मुकुट को थोड़ा सा जो कलर है रेडिश, ये पिंकिश इसमें है तो वो वाला, और फिर उसको हम बना सकते हैं। और इसको अगर ये थोड़ा सा अलग लग रहा है ना, तो इसको आप और थीम से आपके हिसाब से आपके आइडियाज से उसको बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये जैसे बनाया है, तो ये मुकुट को और एक थीम उनको मुकुट को थोड़ा सा जो कलर है रेडिश, ये पिंकिश इसमें है तो वो वाला, और फिर उसको हम बना सकते हैं। और इसको अगर ये थोड़ा सा अलग लग रहा है ना, तो इसको आप और थीम से आपके हिसाब से आपके आइडियाज से उसको बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये जैसे बनाया है, तो ये मुकुट को और एक थीम में डाल देती हूँ मैं, इसमें और एक कलर डाल देते हैं। तो जो भी कलर अपने पास अवेलेबल है उसका पूरा यूज़ करना है हमें। इसमें हम और एक चीज़ कर सकते हैं, जैसे ये वाइट कलर है इसका ही यूज़ कर रही हूँ मैं पूरा। आपको आपके हिसाब से इसमें और भी कुछ क्रिएटिविटीज डालनी हो तो आप डाल सकते हो। तो अभी देखो जैसे मोती चढ़े हुए रहते हैं, हम कुछ भी ऐसे थीम कर सकते हैं जिसे अच्छा लगना चाहिए सिर्फ वो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा। बस इसको मैं अभी साइड साइड से बॉर्डर लेती हूँ, उनकी बना देती हूँ, ठीक है। तो देखिए
कभी कभी घर गड़बड़ में बनते वक्त वो हमने निकाली हुई रंगोली भी मिट जाती है। तो ऐसे उनको अगर हम बॉर्डर्स को लेकर ऐसे करेंगे तो बहुत अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये वाली रंगोली हो गई। तो जैसे देखिए, रंगोली बनाते वक्त हमें ऐसे नहीं है कि कलर्स चाहिए बहुत सारे और ये पूरा बनना चाहिए, तो बहुत ही कम समय में हमने हमारे ये गणेश जी बना दिए हैं। तो सबसे मेन रहते हैं मूषक जी, तो अभी हम सिंपली बनाएंगे उसको। ऐसे एम निकालना है, फिर ऐसे करके जैसे भी हमें सब सही लगता है वैसे कर सकते हैं। मूषक जी तो उनका वाहन है तो इसलिए हमें इनको बनाना ही चाहिए। तो इसको ऐसे ऐसे करके बस, तो ये हो गई हमारी रंगोली। तो यहाँ पे मेरा बस मैं नाम डाल देती हूँ। तो मेरा नाम स्नेहा है और आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वाली रंगोली कैसे लगी। और अगर आपको ऐसे अच्छी अच्छी वीडियोज़ अगर देखनी होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।